बहराइच, बाइक सवार पति पत्नी पर बाघ ने किया हमला। बाघ के हमले में पति पत्नी हुए घायल। मामले की सूचना पर पहुंचे वनकर्मी, प्राथमिक उपचार के पश्चात घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किया गया रेफर। कतनियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मंझरा के पास अचानक चलती हुई बाइक पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले में पति पत्नी घायल हो गए। अब रहा कुछ बनवा हुआ है और उधर से चलें तो हम सोचें कि रुक जाएं, फिर आज अमावसिया रहा है तो जब यहाँ पहुँचे तो हम पूछें वहाँ एक दो लोगों से तो कहें जाओ निकल जाओ निकल जाओ, कोई दिक्कत ना है, चले जी हो आप लोग। तो फिर जब चल दिए वहाँ से तब अभी कोई ज़्यादा देरों ना हुई रहा है। कितना टाइम हो रहा था? अरे वही छः पचास पचास की है। छः पचास हो रहा था तो क्या हुआ, कहाँ पर हुआ है हमला? तो ये हुआ है जो मंझरा पीपल से थोड़ा जो एक रास्ता कहाँ कटा हुआ है, थोड़ा जहाँ पतला पतला है मैदान टाइप के, थोड़ा वह तिरा है, पता नहीं कहाँ बंधेला होए गा रहा है, देख तो मिला नहीं, लेकिन यू देख मिला कि बहुत बड़ा वाला है, लमसम छः या सात कुंटल के रहा है। अच्छा, यानी मोटरसाइकिल से थे आप? हाँ, मोटरसाइकिल से रहा। तो मोटरसाइकिल पर ही चलते हुए हमला किया? चलते हुए हमला करी से। अच्छा, तो हमला, आपके साथ और कौन था? हमारे साथ और हम, मैडम हमारी। क्या नाम है इनका? इनका राबिया। अच्छा, राबिया नाम है जी। ठीक, तो कहाँ कहाँ चोट आई है आपको? चोट यहाँ हाथ में आई है, इधर हाथ में है, इधर पैर में पंजा लगा है या दांत कुछ लगा है, और मोटरसाइकिल टूट गई, इनको पैर यहाँ लगा है, दोनों तरफ गांठी में, इधर है। जिला बहराइच के तहसील मोतीपुर के मदनिया गाँव निवासी पप्पू और उनकी पत्नी रुबीना निजी कार्य हेतु तिकुनिया की तरफ गए थे। वहां से वापस आने के दौरान मंझरा पीपल के सामने सड़क पर बाघ ने चलती मोटरसाइकिल पर हमला कर दिया। हमले में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर रेफर किया गया है। वहीं बाघ के हमले की सूचना पाकर वन क्षेत्राधिकारी कतनियाघाट वन्यजीव प्रभाग राम कुमार ने वनकर्मियों को मौके पर भेजा। मौके पर पहुंचे वनकर्मी अवधेश और WWF के फील्ड ऑफिसर मंसूर के द्वारा बाघ के हमले में घायल पति पत्नी का प्राथमिक उपचार सुजोली में करवाया गया, जिसके पश्चात दोनों को CSC मोतीपुर रेफर किया गया है। पिछले वर्ष भी मंझरा में सड़क के आसपास बाघ का काफी आतंक था, जिसको देखते हुए वन विभाग के द्वारा बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया था और इस दौरान एक बाघिन और एक बाघ को पकड़ा भी गया था। वहीं एक बार फिर मंझरा में सड़क के पास बाघ का आतंक जारी हो गया है। पिछले एक हफ्ते में 3 लोगों पर बाघ के द्वारा हमला भी किया जा चुका है।